मैं जब कभी अकेले बैठकर महाभारत देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर प्रभावित करता है वो है कर्ण का। गंभीर होकर यदि मैं आपसे कहूं कि जब महाभारत का युद्ध की घोषणा हो चुकी थी तो कौरव पक्ष के साथ युद्ध लड़ने के लिए जैसे ही दुर्योधन आमंत्रित करते हैं कर्ण को, तो केवल एक ही व्यक्ति था जो कर्ण की ताकतों से परिचित था, वो थे श्री कृष्ण वासुदेव महाराज जी। उन्हें ये ज्ञान ये जानकारी हो गई थी यदि ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो इसकी जो क्षमता है, और जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि ये सूर्य पुत्र था, उसके बाद इस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता है। तो एक बार क्या होता है कि वो स्नेह पूर्वक जो है कर्ण के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं, और इन श्री कृष्ण और कर्ण के बीच जो संवाद होता है ना, हालांकि बहुत प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से मैं जो है इनके हृदय में दुर्योधन के प्रति नफरत पैदा कर दूं। वो कहते हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, दुर्योधन कहीं से भी सही नहीं है, वो अनैतिक है, वो भरे सभा में किस प्रकार से एक महिला का अपमान किया, स्वयं मेरा अपमान किया, उसके बाद भी तुम उसके साथ हो। तो कर्ण कहता है, हे वासुदेव, वो अलग चीज है कि मैं दुर्योधन का श्री कृष्ण तो नहीं हूं, पर मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। यदि इस पूरे संसार में ये धर्म की बात नहीं है, ये धर्म से भी परे है, मेरे हृदय में जो दुर्योधन के प्रति स्नेह है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और इस संसार में मात्र दो ही ऐसे लोग हैं जिनके प्रति मेरे हृदय में स्नेह है, वो है एक जो मुझे पाला पोषा और दूसरा वो दुर्योधन ही है। तो इनका जो कैरेक्टर है वो जिस प्रकार से है ना, आप महाभारत जब देखेंगे तो बहुत सारे वीर हैं, उधर पांडव पक्ष है, इधर कौरव है, गुरुजन है, उसके बाद भी पूरे महाभारत में एक व्यक्ति विशेष तक सबकी निगाहें टिकी रहती हैं, वो है कर्ण। अब सोचिए, चाहे छल कहें, चाहे इसे किसी का भी नाम दें, श्री कृष्ण अपने अनुसार जाके जो उस कर्ण की ताकत थी, कुंडल था, कवच था, वो सारी चीजें जो है मांग लेते हैं, उसके बाद भी वो व्यक्ति मतलब इतना आक्रामक युद्ध में लड़ता है और वो कभी नहीं पराजित होता, उसके बाद भी पर एक छल की वजह से जिस प्रकार से वो मारा गया। इसीलिए यदि मित्र हो तो कर्ण के जैसा, लाख लोग चटुकारिता करें, आपको भड़काने का प्रयास करें, उसके बाद भी आपके हृदय में वो स्नेह होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए, किसी के चढ़ाने या भला बुरा कहने से उसके प्रति आपका स्नेह नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।